गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। आजकल बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई स्टॉक अच्छे नतीजे के बावजूद पसंद आए, लेकिन आज आपकी लिस्ट में देखकर अच्छा लग रहा है कि कई सारे रिजल्ट जो अच्छे हैं और आपको लग रहा है अभी भी महंगे नहीं है। तो चलिए अच्छी चीज से करते हैं शुरुआत, अच्छे नतीजे और शेयर महंगे ना हो, बताए। गुड मॉर्निंग सर। सीमेंट, स्टील और सीवीज, अगर वीकेंड पे सबसे अच्छे नंबर आए हैं तो मुझे लगता है ये तीन सेक्टर्स के नंबर अच्छे आए थे। और सबसे पहले चालू करता हूं सर मैं अंबुजा सीमेंट से, जो सीमेंट सेक्टर में है। इट्स नॉट ओनली अंबुजा सीमेंट सर, आपने ACC, अल्ट्राटेक सबके नंबर्स देखे, आई थिंक दे वर वेरी वेरी गुड। अंबुजा इज लाइक अ बैक बेंचर, अगर सीमेंट सेक्टर में देखा जाए तो उसको कभी भी उतना वैल्यूएशन नहीं मिलता जितना उसके भाई बंधुओं को मिलता है, ACC को मिलता है। हाईएस्ट एवर एबिटा पर टन रिपोर्टेड बाय द कंपनी सर। इसमें एक चीज जरूरी है सर कि वॉल्यूम्स नीचे थे क्वार्टर एंड क्वार्टर, आई थिंक 11% के आसपास, बट रियलाइजेशन 4% ऊपर थी क्वार्टर एंड क्वार्टर, और कॉस्ट कम थी इसलिए इसका एबिटा पर टन 1500 आया, विच इज द हाईएस्ट एवर रिपोर्टेड बाय द कंपनी। अगर आप कैलकुलेशन भी करें ना सर, इसका 100, 150, 200 कम भी हो जाता है, बिकॉज इसकी नई कैपेसिटी आ रही है, रोपड़ में आ रही है, माडवा में आ रही है, जो नेक्स्ट क्वार्टर तक कंप्लीट हो जाएगी, तो भी जो है ये बहुत सस्ता लगता है कंपेयर टू एज आई सेड ACC हुआ या अल्ट्राटेक हुआ। तो इट्स द बिगर क्वेश्चन इज कि क्या ये एक सीमेंट का बड़ा अप ट्रेंड चालू हो रहा है यहां से कि नहीं हो रहा, आफ्टर लुकिंग एट द कमेंट्री एंड द नंबर्स फ्रॉम ACC, अल्ट्राटेक एंड अंबुजा। तो अंबुजा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। अभी JSW स्टील, हम सबको पता है कि स्टील के नंबर्स कितने अच्छे आए थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन लास्ट 2-3 महीने से पूरा कंसोलिडेशन सेक्टर का हो गया है सर। किसी ने नहीं सोचा था कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के जो अबिटा इंप्रूवमेंट है ना, वो 2000 या 2500 पर टन के हिसाब से होगा, क्योंकि दैट वाज द हाईएस्ट एस्टिमेट ऑन द स्ट्रीट कि क्वार्टर एंड क्वार्टर इंप्रूवमेंट इतना ही होगा अबिटा पर टन जो है 2500। बट सर JSW स्टील का जो अबिटा इंप्रूवमेंट हुआ वो 6500 हुआ, 6,500, which is 3 times what people on the street were expecting. अब ये देखिए सर, क्वार्टर वन का जो प्रॉफिट है, that is 75% of last full year earnings. मतलब पहले क्वार्टर में उसने 75% of profit कर लिया है जो उसने FY21 में किया था। EBITDA per ton 26,500 आया सर, कंपेयर टू 20,000 क्वार्टर क्वार्टर। तो आप देख रहे हो कि क्वार्टर क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। बहुत लोगों को ये था कि यार साइकिल खत्म हो चुका है, अभी कुछ नंबर नहीं आएंगे, बट आई थिंक JSW स्टील ने बताया कि अभी भी स्टील में बहुत दम है यहां से, और अभी भी 7 times EV/EBITDA पे ट्रेड करता है सर, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। जस्ट इन केस टू मेंशन कि सेल जो है हाफ द वैल्यूएशन ऑफ JSW स्टील ट्रेड करता है, बट अगर JSW स्टील के ये नंबर आए हैं तो आप देख सकते हो कि आगे जाके क्या नंबर्स आएंगे। एक मिड कैप अर्निंग में सर जो मेरे लिए नंबर स्टैंड आउट हुआ ऑनेस्टली, दैट इज GNA Excels। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं सर, क्योंकि कोई भी अभी सीवी सेक्टर रिवाइवल की बात नहीं कर रहा, और ये कंपनी ऑफकोर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, बट वो सीवी सेक्टर रिवाइवल जो आ रहा है ना, उसमें आई थिंक दे हैव डन वेरी वेरी वेल। आप सेल्स देखिए, क्वार्टर क्वार्टर का इंप्रूवमेंट हुआ ही हुआ है, YoY तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, बट इवन क्वार्टर क्वार्टर 6% सेल्स ऊपर है, YoY तो 3 गुना हो चुका, एबिटा भी 12% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर गया है, मार्जिन 15.5% से 16.5% आ गए, और ये 14 times पे ट्रेड कर रहा है सर, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। सो इस स्पेस में जिसको हम सीवी सेक्टर रिवाइवल की बात कर रहे हैं, देर आर 4-5 गुड मिड कैप कंपनी जिनको देखना चाहिए। ये 3 numbers मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट रहे थे। बाकी ICICI बैंक की सर बात करें तो ऑफकोर्स एवरीवन इज टॉकिंग कि ICICI बैंक वर्सेस HDFC बैंक। सर वी ऑल नो कि नॉट नाउ, सिंस लास्ट 3-4 quarters ICICI बैंक हैज डन वेरी वेल कंपेयर टू HDFC बैंक, इसीलिए मेरे ख्याल में ICICI बैंक का जो मार्केट कैप है सर, इट हैज गॉन अबव HDFC बैंक। इवन ईयर टू डेट देखें तो ICICI बैंक का स्टॉक 30% ऊपर है और HDFC बैंक का 1% ऊपर है। सो स्टॉक ने अपने को दिखाई दिया है कि ICICI बैंक इज परफॉर्मिंग मच मच बेटर देन HDFC बैंक। सो नंबर्स अच्छे थे सर, नेम्स बेस्ट इन 26 quarters थे, स्लिपेजेस थोड़ी ज्यादा थी, 7,200 crore के आसपास स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 5,000 crore के आसपास आएगी, बट रिकवरीज हुए, अपग्रेड हुए, तो लोग बोल रहे हैं ठीक है नंबर, बट एटलीस्ट मगर ऑन द फेस ऑफ इट ICICI बैंक हैज डन वेरी वेल, कंटिन्यूज टू डू वेरी वेल, और HDFC बैंक तो बहुत पीछे रह गया सर इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन द लास्ट 4-5 quarters कंपेयर टू ICICI बैंक। यूनाइटेड स्पिरिट सर नंबर्स अच्छे थे, बट इसमें एक ही चीज बोलूंगा सर मैं कि बहुत टाइम के बाद 3-4 साल के बाद हम देख रहे हैं कि जो इसके अदर एक्सपेंडिचर्स है ना, वो बहुत नीचे कंट्रोल आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो अदर एक्सपेंडिचर जितना हमने देखा इस बार, वो तब देखा जो FY15 में देखा था, तो 6-7 साल के बाद आप देख रहे हो कि कॉस्ट कंट्रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान है इस कंपनी का।
तो ये जो नया मैनेजमेंट आ रहा है, जो न्यू एमडी आ रहा है, तो उनको यही है कि हाँ भी उनको प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट जो है उसका यू नो शेयर बढ़ाना है। अभी 67% हो चुका है और खर्चे कम करते रहने हैं। तो ये 4-5 साल बाद देखा है कि हाँ भी इतना कम एक्सपेंडिचर किया है, अदरवाइज वॉल्यूम्स अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छा था, एबिटा 5-6% बीट थी जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी। बट इसमें जो नया एमडी क्या बोलेगा, नई एमडी क्या बोलेंगी आगे जाके, दैट इज वेरी नाइस। आईटीसी मिक्स सेट ऑफ नंबर सर, मतलब मैं ये बोलूंगा कि जितना पेसिमिज्म है मार्केट मार्केट में उसके हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। सिगरेट का वॉल्यूम ग्रोथ 33% है कम्पेयर टू 24-28%, सस्ता स्टॉक है सबको मालूम है। ओके नंबर्स है, बहुत शानदार नहीं है, बट बिकॉज मार्केट में इतना पेसिमिज्म है उसके हिसाब से इवन आईटीसी डिड वेल। ओके तो ये है आपके लिए, मतलब आपका कहने का मतलब जैसे जुबिलेंट फूड दिखा रहा अभी ये मैकडोनल्ड्स और साथ ही आईटीसी खाने पीने वाली चीजों के सबके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कम से कम मतलब वहां पर लोगों का मतलब कंजम्पशन पूरा जारी है, लोग खर्चा कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आईटीसी दो रिजल्ट अच्छे हैं। अब अच्छा बताइए रिजल्ट जो अच्छे हैं लेकिन थोड़े शेयर महंगे हो चुके हैं, भाग चुके हैं, वो कौन से शेयर हैं आपकी लिस्ट में आज? सर इसमें कोई भी नंबर नहीं आया मेरी लिस्ट में, बाकी यू कुड हैव पुट यूनाइटेड स्पिरिट्स, यू कुड हैव पुट से आईसीआई बैंक, बट अगेन बिकॉज अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप दूसरे एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स इज द चीपेस्ट कंजम्पशन प्ले इन इंडिया राइट नाउ। ओके अच्छा और कमजोर रिजल्ट्स? तो सिंपनी के नंबर्स बहुत कमजोर आए थे सर, बाकी मैं क्वार्टर क्वार्टर नंबर ज्यादा देख रहा हूँ इस बार। तो आप नंबर देखिए सर, एबिटा इसका 10 करोड़ आया बस कंपेयर टू 84 करोड़, यू नो तो बहुत ज्यादा यू नो मार्जिन 25% से कम हो गए, 4% 4.5% रह गया क्वार्टर क्वार्टर। रीजन यही था सर कि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसके कारण इनका एबिटा बहुत बहुत इंपैक्ट हुआ है इस बार। सस्ता स्टॉक नहीं है सर, 42 टाइम्स भी ट्रेड करता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स दो तरीके से देख सकते हो सर, कुछ लोग बोलेंगे वाई वाई अच्छे नंबर्स हैं, बट अगर आप हैवल्स के नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको देखेगा कि ये नंबर्स बहुत कमजोर है कंपेयर टू व्हाट अदर इंडस्ट्री पीयर्स आर रिपोर्टिंग। तो एबिटा सर 228 करोड़ का कम हो गया 125 करोड़ आया, 15% मार्जिन से कम हो गए 12% आए। अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट पेपर 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 सेक्टर सर, बट नंबर नहीं आ रहे हैं इसमें, नंबर्स उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो सेल्स देखिए सर 328 करोड़ से कम हो गए 218 करोड़ आई क्वार्टर क्वार्टर, और इवन प्रॉफिट 64 करोड़ से कम हो गए 20 करोड़ आया, तो नंबर्स में वो चीज नहीं आई। इवन एबीबी पावर के नंबर सर 40 करोड़ से 16 करोड़ प्रॉफिट रह चुका है, एबिटा आधा हो चुका है ऑलमोस्ट, क्वार्टर क्वार्टर की बात कर रहा हूं सर मैं। तो एक क्वार्टर कमजोर होगा होगा बहुत कंपनीज का होगा, बट तभी बोल रहा हूं सर कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने थोड़ा सा भी ग्रोथ दिखाया क्वार्टर क्वार्टर, उसमें वो जीएनएक्सएल बहुत अलग दिखता है, बट इन कंपनीज को अभी भी टाइम लग रहा है और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, चाहे वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स हुआ, सिम्फनी हुआ, एबीबी पावर हुआ, या इवन ये छोटा सा पेपर स्टॉक हुआ। और सर लास्ट स्टॉक एक और पेनिशिया बायोटेक, यू नो बहुत बात हो रही है इस कंपनी की इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन प्ले है, ये है वो है, बट सर मुझे लगता है कि इसको खुद को वैक्सीनेशन चाहिए। इस बार एबिटा लॉस हुआ था कंपेयर टू 1 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर क्वार्टर, और 23 करोड़ का प्रॉफिट था वाई एन वाई। इवन वैक्सीनेशन सेगमेंट का सेल्स पूरा फ्लैट था और एबिटा एबिट लॉस जो इस सेगमेंट में आया वो 23 करोड़ था कंपेयर टू 9 करोड़ लॉस। सो कुछ भी नंबर नहीं आया इस कंपनी के। ओके तो ये है आपके लिए खराब रिजल्ट्स, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजों के वाली लिस्ट बताएं कौन से रिजल्ट्स हैं इनलाइन? सर जुबिलेंट फार्मानोवा के नंबर्स इनलाइन आए थे, थोड़े से बेहतर आए थे कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। इसमें ऑफकोर्स यू नो वो रुड़की प्लांट पे जो इंपोर्ट अलर्ट आया है जिसके कारण लोग बहुत परेशान है, बट वो 3% ही है, मैनेजमेंट ने बोला कि उसका कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा कॉन्कॉल में। एक न्यूज आया था कि वो डिमर्ज करेगा एपीआई अंडरटेकिंग जो 10% ऑफ सेल्स है उस कंपनी का, पर नंबर वाइज देखा जाए तो सर नंबर्स अच्छे थे, लोग सोच रहे थे कि 170 180 करोड़ प्रॉफिट आएगा, उसके सामने 160 करोड़ प्रॉफिट आया, मार्जिन 23% पे है। सर ये बहुत सस्ता स्टॉक है, 12-13 टाइम पे ट्रेड करता है और इस साइज का फार्मा कंपनी है, बट ऑफकोर्स इनको ग्रोथ दिखाना पड़ेगा नंबर्स में, ग्रोथ आएगा तभी ये स्टॉक चलेगा, अदरवाइज तीनों थोड़ा सा ठंडा रहेगा। एमसीएक्स के नंबर सर, सर एमसीएक्स के नंबर ऑटो कंपनीज की जैसे होते हैं, बिकॉज अपने को एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू तो पहले ही मालूम चल जाता है, तो अपने को मालूम था कि हाँ भी वाई नंबर्स बहुत अच्छे हैं, क्वार्टर क्वार्टर थोड़े से नंबर कमजोर आएंगे आएंगे, मार्जिन 42-43% है, सो वो सब चीजें पता है सर, मार्केट शेयर इंप्रूव होगा इसका। तो दो क्वार्टर से कोई तोड़फोड़ नंबर्स नहीं आ रहे एमसीएक्स के, इनलाइन नंबर्स आ रहे हैं, अभी ये देखना कि आगे जाके क्या चीजें हो सकती हैं। आज 4 बजे कॉल कॉल है सर, तो उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा इंपॉर्टेंटली कि जो रिसेंटली लॉन्च ऑप्शन है उसका क्या होगा, अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट का उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट नंबर इनलाइन थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थे, दो क्वार्टर से ऐसा ही हो रहा है एमसीएक्स के साथ।
ओके, तो ये है आपके लिए सारे रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे लिए रिजल्ट एनालिसिस देने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत बिजी।